हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरी इस वीडियो में स्वागत है। आज मैं आप सभी के साथ वनीला आइसक्रीम की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसे मैंने सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से ही बनाकर तैयार किया है। तो यहाँ पर जो वनीला आइसक्रीम तैयार होगी वो खाने में बहुत टेस्टी लगती है और इसका टेक्सचर भी बिल्कुल स्मूथ रहता है, जैसा हम बाहर से आइसक्रीम लाते हैं बिल्कुल वैसा ही। तो चलिए वनीला आइसक्रीम बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर व्हिप्ड क्रीम ली है। आप चाहे तो इसकी जगह कोई भी नॉर्मल खाने वाली क्रीम यूज कर सकते हैं। साथ में मैंने कंडेंस मिल्क लिया है और वनीला एसेंस लिया है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1/2 कप व्हिप्ड क्रीम ली है। इसे हम एक बर्तन में डाल लेंगे। अब यहाँ पर मेरे पास हैंड ब्लेंडर है तो मैं इसी से इसको ब्लेंड करूँगी। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर हो तो आप उससे भी इसको ब्लेंड कर सकते हैं और इसे हमें जब तक फेंटना है जब तक ये गाढ़ी ना हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी क्रीम कितनी गाढ़ी हो चुकी है। तो हमें हमारी क्रीम इसी तरह की चाहिए। अब हम इसमें कंडेंस मिल्क डाल देंगे और साथ में 1 चम्मच वनीला एसेंस डाल देंगे। बिल्कुल चम्मच भर कर नहीं डाल रही, थोड़ा सा कम ही डाल रही हूँ। तो आप भी वनीला एसेंस को इसमें ज़्यादा यूज़ ना करें क्योंकि वनीला एसेंस का जो फ्लेवर होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहता है। तो इसमें बस 1 छोटी चम्मच वनीला एसेंस ही हम डालेंगे। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से चला लेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे फिर से फेंट लेंगे ताकि हमारी सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो यहाँ पर हमारा आइसक्रीम सेट करने के लिए मिक्सचर तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर आइसक्रीम को सेट करने के लिए मैंने एक ग्लास का बर्तन लिया है। आप चाहें तो इसे किसी भी एयर टाइट बर्तन में डालकर इसे सेट होने के लिए रख सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम ये आइसक्रीम का मिक्सचर इस बाउल में डाल लेंगे। तो सारा मिक्सचर मैंने बाउल में डाल दिया है। अब इसको आप या तो ऐसे ही एयर टाइट कंटेनर अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो इसको ऐसे ही आप ढक्कन लगाकर बंद कर फ्रीज़र में सेट होने के लिए छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसमें ये एल्युमिनियम फॉइल यूज़ कर रही हूँ। तो पहले मैं इसे एल्युमिनियम फॉइल से ढक दूँगी। तो यहाँ पर मैंने इसे एल्युमिनियम फॉइल से कवर कर दिया है। अब मैं इसका ढक्कन लगाकर इसको फ्रीज़र में 10 से 12 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख दूंगी। तो यहाँ पर मैंने आइसक्रीम को ओवरनाइट फ्रीज़र में रखा था और अब मैंने इसे निकाल लिया है। तो चलिए अब हम आइसक्रीम को सर्व कर लेते हैं। तो उससे पहले मैं यहाँ पर एल्युमिनियम फॉइल को हटा देती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि आइसक्रीम हमारी कितनी अच्छी जमकर तैयार हुई है और साथ में ये बहुत ही स्मूथ भी है। तो इसे सर्व करने के लिए मैंने यहाँ पर एक बाउल ले लिया है। अब हम इसमें आइसक्रीम को निकाल लेंगे। तो मैं यहाँ पर आइसक्रीम को निकालने के लिए आइसक्रीम स्कूप का यूज़ कर रही हूँ। इससे क्या होता है कि आइसक्रीम की जो शेप होती है वो बहुत ही राउंड शेप में आती है, जिससे आइसक्रीम देखने में भी बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैंने आइसक्रीम को सर्विंग बाउल में निकाल लिया है। आप चाहें तो इसे प्लेन ही सर्व कर सकते हैं या इसे थोड़ा सा गार्निश कर सकते हैं। तो आप गार्निश करने के लिए इस पर या तो टूटी फ्रूटी डाल सकते हैं या फिर चोको चिप्स डाल सकते हैं या फिर इस पर चॉकलेट सिरप डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसे चॉकलेट सिरप डालकर गार्निश कर रही हूँ, जिससे ये देखने में भी और अच्छी लगेगी। तो हमारी वनीला आइसक्रीम खाने के लिए तैयार है। ये बहुत ही टेस्टी बनी है और बहुत ही स्मूथ इसका टेक्सचर आया है।
तो यहाँ पर वनीला आइसक्रीम सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है और खाने में भी ये उतने ही टेस्टी और स्मूथ है। तो आप भी मेरी इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें और अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो आप इन्हें लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।